सो हे गाइस, कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फ्री फायर का बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूं। 2023 का बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग वीडियो होने वाला है। देखो, आपको फ्री फायर में अच्छे हेडशॉट मारने के लिए और ज्यादा रिकॉल ना होने के लिए आप बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग क्या रखना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको तो बताऊंगा ही। सबसे पहले आप ये समझो, दो अलग अलग रैम्स के मोबाइल पर दो अलग अलग सेंसिटिविटी वर्क करते हैं। जैसे कि 2 GB रैम पर अलग तो 6 GB रैम पर अलग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग यही बताने वाला हूँ। 2 GB रैम वाला फोन अगर आपके पास है, 3 GB रैम वाला फोन है, या 4 GB रैम वाला है, या 6 GB या 8 GB, तो आपको कौन से बेस्ट सेंसिटिविटी रखना चाहिए। जैसे कि जनरल का क्या रखना चाहिए आपको, रेड डॉट का क्या रखना चाहिए, 2 स्कोप का क्या रखना चाहिए, 4 स्कोप का क्या रखना चाहिए, स्नाइपर्स का कितना रखना चाहिए और फ्री लुक का कितना रखना चाहिए, तो मैं आपको यही सब डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, इससे बढ़िया वीडियो 2023 का कोई नहीं होगा। चलो फटाफट से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं करते तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल में पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर गाइस सेलेक्ट कर देना, इसी तरह का गेमिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। सो गाइस, चलिए चलते हैं गेम के स्क्रीन पर। ऑलराइट गाइस, यहां पर हम अपने गेम के अंदर आ चुके हैं। अब गाइस मैं आपको बताता हूं बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चलना है सेटिंग्स में। यहाँ पर जहाँ पर गेम के सेटिंग्स होते हैं, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। आने के बाद आपको सेंसिटिविटी सेटिंग करना है, तो आपको सेंसिटिविटी सेटिंग पर आ जानी है। अब देखो गाइस, यहाँ पर हमारा यहाँ पर रिसेट मैं कर दिया हूँ, ठीक है, सारा सेटिंग सेंसिटिविटी सेटिंग। सो जनरल देख सकते हो, सारा मेरा डिफॉल्ट है, ठीक है। सो चलो मैं आपको बताता हूँ आपको 2 GB और 3 GB रैम के लिए सेंसिटिविटी सेटिंग। देखो, जनरल को आपको कर लेना है 98 या 99 कर लीजिएगा, ठीक है, जनरल को। जैसे कि मान लो कि मेरे पास है 2 GB और 3 GB का, तो मैं यहाँ पर कर लूंगा 98, ठीक है। और गाइस यहाँ पर आपको कर लेना है रेड डॉट को, यहाँ पर कर लीजिएगा 97 98। जैसे कि मैं रेड डॉट को कर लेता हूँ यहाँ पर 97। सो आपको यहाँ पर कर लेना है रेड डॉट को 97। अब 2 स्कोप जो यहाँ पर देख सकते हो, 2x स्कोप का आपको यहाँ पर कर लेना है 97 से लेके 100 के बीच में। जैसे कि मान लो कि आपको 97 है, तो आपको 98 के आसपास रख दीजिएगा, ठीक है, 2x स्कोप को। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 4x स्कोप को भी करना है 98 के आसपास रखना है। जैसे कि 4x स्कोप को भी कर लीजिए 98 के आसपास। देन आपको स्नाइपर स्कोप को भी रखना है यहाँ पर 96 के आसपास रखिएगा। सो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ स्नाइपर स्कोप को 96 के आसपास। अब आपको सबसे मेन हमारा होता है फ्री लुक, ठीक है। सो आपको फ्री लुक को रखना है 78 और 77 क्या 78 भी रख सकते हो, इससे ज़्यादा मत रखना। ये है 2 GB और 3 GB रैम के लिए, ठीक है। बस ये सेटिंग आप करके देखो, आपका पूरे गेम अच्छे से चलेगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ 4 GB रैम के लिए ओनली, ठीक है। मैं रीसेट कर दिया। सो देखो, वो जनरल को रखिएगा 99 और 98 के आसपास। सो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 99, ठीक है, 4 GB रैम है मेरे पास, तो मान लो कि यहाँ पर मैं रख देता हूँ 99। अब आपको रेड डॉट रखना है यहाँ पर 94 और 95 रखना है, यही दो को रखना है आपको। सो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 94 के आसपास, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पर 2x स्कोप आपको रखना है 98 99, यही दो रखिएगा, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। सो मान लो यहाँ पर मैं 98 रख देता हूँ। इसके बाद आपको 4x स्कोप को यहाँ पर रखना है, 65 है अभी, तो आपको यहाँ पर रखना है 99 या 100 रखना है। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर रख देता हूँ 99 में रख देता हूँ, ठीक है, आपको आपको 99 आपको भी रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्नाइपर स्कोप है, सो आपको इसे रखना है 91 92 के आसपास रखिएगा। मैं 91 कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने 91 कर दिया। अब सबसे मेन हमारा है फ्री लुक। सो आपको फ्री लुक रखना है 75 या 76 रखिएगा फ्री लुक, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। सो यहाँ पर मैं 76 के आसपास रख दिया, ठीक है। अब चलिए, ये आपका 4 GB रैम के लिए कंप्लीट। चलो मैं आपको बताता हूँ 6 GB रैम और 8 GB रैम के लिए, डिफॉल्ट कर दिया मैं। अब चलो देखो, आपको जनरल को रखना है 99 या 98, ठीक है, आपको यही दो रखना है, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। सो यहाँ पर मैं 99 रख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको रेड डॉट को रखना है 95 और 96। सो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 96 रख लेता हूँ, ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको 96 रख लेना है। इसके बाद आपको 2x स्कोप जो है, आपको यहाँ पर 2x स्कोप को रखना है 96 रखिएगा, इसको भी 96 या 95 भी आप रख सकते हैं, मैं 95 ही रख लेता हूँ। इसके बाद आपको 4x स्कोप को भी यहाँ पर रखना है 97 या 98 रखना है, तो मैं इसको रख लेता हूँ, मान लो कि यहाँ पर मैं रखता हूँ 98 रख लेता हूँ। सो आपको भी यहाँ पर 98 रख लेना है। इसके बाद आपको स्नाइपर स्कोप को यहाँ पर रखना है 88 जो है, 88 या 89 के आसपास, 88 रख लिया।
इसके बाद आपको सबसे मेन हमारा फ्री लुक है। सो आपको फ्री लुक को रखना है 71 या 72 रखिएगा। सो गाइस यहाँ पर मैं 71 रख लेता हूँ, देख सकते हो 71 रख लिया, आप 72 भी रख लेना, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सारे जो मैं आपको सेटिंग बताया हूँ, ठीक है, ये सारे सेटिंग मैं बता चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पर 2 GB और 3 GB के लिए बता दिया, 4 GB के लिए भी बता दिया, और 6 और 8 GB के लिए भी बता दिया। सो देखो, अगर आपका जो भी रैम का फोन है, ठीक है, जितने भी रैम है आपके फोन में, वो आप जो सेटिंग कर लेना, इस करने के बाद आपको अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाना है। वहां पर जा करके आपको थोड़ा सा गेम प्ले करके देखना है कि क्या ये सेंसिटिविटी सच में मेरे में वर्क कर रहा है। ऐसे तो वर्क करेगा, आपको ये सारे सेंसिटिविटी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करना, अगर इस चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।